दिल्ली का रोहिणी जिला अपने दुर्भाग्य से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। आए दिन हत्या, लूटपाट, चोरी और स्नैचिंग जैसी वारदात यहां आम होती जा रही है। ताजा मामला प्रेम नगर थाना इलाके के अगर नगर का सामने आया है, जहां किराए पर रहने आए प्रेमी युगल में से प्रेमिका का शव बंद कमरे में मिला। ग्राउंड फ्लोर में रहने वाली महिला को दुर्गंध महसूस हुई, तो वह दुर्गंध महसूस करते हुए फर्स्ट फ्लोर में जा पहुंची, जहां दुर्गंध और भी तेज हो गई। कुछ अप्रिय घटना के शक होने पर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए और तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचित किया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया। पड़ोसियों की माने तो ये प्रेमी जोड़ा अभी हाल ही में किराए पर रहने आया था। अब महज कुछ ही दिनों में बंद कमरे में ऐसा कांड हो जाता है जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित हैं। लोगों ने बताया कि इसमें रहने वाली लड़की बहुत कम बाहर निकलती थी, इसीलिए बहुत कम ही लोगों ने उसको देखा था, और जो साथ में युवक रहता था उसका कोई अता पता नहीं है। मकान के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली युवती को जब दुर्गंध आई तो वो ऊपर देखने पहुंची, जहां उसको एक शव दिखाई दिया तो तुरंत पुलिस को सूचित किया। मगर जो उसमें थी ना औरत, वो लेटरिन बाथरूम के लिए गई जब दरवाजा खुला देखी, जो नीचे रहती थी किराए पे। हाँ, किराए पे। तो जो बॉडी मिली है जिसकी, वो लड़की थी या उम्रदार थी? नहीं नहीं, लड़की थी। लड़की थी, लड़की। तो आप लोगों को सुबह पता लगा 10-11 बजे? हाँ, 10-11 बजे। अब वो लेटरिन गई है ना, वो नीचे वाली उनकी। अच्छा। तब उनने देखी, तब हम लोग के बुलाए, तो हमने बोला भाई मकान मालिक के बुलाओ जी। फिर मकान मालिक आए तो अपना पुलिस वुलिस बुलाए। अच्छा। हाँ, फिर लेके गए। तो ये लोग कब आए थे दोनों, ये जिसकी बॉडी मिली है? मियाँ बीबी थे? कौन थे? नहीं नहीं, मियाँ बीबी नहीं, वो लग रहा भाई बहन है कि बेटा था उनका, ये नहीं पता मुझे। अच्छा। वो यहाँ रहती नहीं है ना। अच्छा। फिलहाल इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है, लेकिन इस मामले में एक बात सामने आ गई है कि लोग बड़े ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से क्षेत्र में रहते हैं। जब भी वे मकान किराए पर देते हैं तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी उचित नहीं समझते, जिस कारण ऐसे हादसे लगातार होते आए हैं। बहरहाल पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।